ड्रग्स के कार्रवाई के तहत आज एनसीबी के हाथ एक और बड़ा पेडलर लगा है। ये पेडलर कई सारे इंडस्ट्री के लोगों से टच में था, उन तक ड्रग्स पहुंचाने का काम करता था। ये ड्रग पेडलर एनसीबी के हाथ लगा है क्षितिज प्रसाद के थ्रू। क्षितिज प्रसाद करण जौहर की कंपनी में काम करता है, इस वक्त एनसीबी की गिरफ्त में है और उसी के कॉन्टेक्ट लिस्ट से इस ड्रग पेडलर का कॉन्टेक्ट मिला जो कि बॉलीवुड को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। इसका नाम है जय मधुकर। जय मधुकर को सांताक्रूज एरिया से एनसीबी ने गिरफ्तार किया। एनसीबी की टीम को पता चला है कि एक नाइजीरियन ड्रग पैडलर है जिससे जय जो है ड्रग्स लेकर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ड्रग्स पहुंचाता था। तो अब इससे पूछताछ होगी कि किन किन स्टार्स को ये ड्रग्स पहुंचाता था। आपको बता दें कि कल भी एनसीबी ने एक छापामारी की थी जिसमें एकता कपूर के ऑफिस का पियोन और रनर वो पकड़ में आया और आज एक बार फिर से एक अहम शख्स हाथ लगा है जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के कॉन्टैक्ट में था। ड्रग्स मामले में ऑलरेडी 20 लोगों को एनसीबी जो है अरेस्ट कर चुकी है। 15 फोन्स को जांच के लिए भेजा गया है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट्स आती है वैसे ही नेक्स्ट लेवल की पूछताछ शुरू हो जाएगी और कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से दीपिका सारा श्रद्धा को समन किया जाएगा। शौविक चक्रवर्ती जो कि रिया का भाई है वो अभी भी जेल में ही है।